मौने सलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट में कहा गया परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद मौने सलाही के अकाउंट में 1,00,000 पाउंड्स और दीगर करेंसी जमा हुई। मौने सलाही के अकाउंट्स में जमा होने वाली रकम बज़ाहिर रिश्वत और किकबैक्स की है। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और मौने सलाही के खिलाफ किकबैक्स लेने की इंक्वायरी में अहम पेशरफ। मौने सलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आ गए। नैब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद मौने सलाही के अकाउंट में 1,00,000 पाउंड्स और दीगर करेंसी जमा हुई। मौने सलाही के जाती अकाउंट और उनकी कंपनी के अकाउंट में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी जमा हुई। रिपोर्ट में कहा गया मौने सलाही के मुख्तलिफ अकाउंट में 82 करोड़ रुपए से जायद रकम जमा हुई। मौने सलाही के अकाउंट में 10,84,000 यूरोज भी जमा हुए। गुजरात में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के ठेकों के दौरान भी रकम मौने सलाही के अकाउंट में जमा हुई। मौने सलाही के अकाउंट में जमा होने वाली रकम बज़ाहिर रिश्वत और किकबैक्स की है। नैब ने इंक्वायरी रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान कसूर में जरई अराजी भी खरीदी गई। परवेज इलाही की बहू जहरा इलाही ने भी गुजरात में 153 मिलियन रुपए से 748 कनाल अराजी खरीदी। नैब हुकाम के मुताबिक मौने सलाही ताहाल केस में शामिल तफ्तीश नहीं हुए।